जय जगन्नाथ। नमस्कार, वेलकम बैक रोजात फैमिली वाला। कैसे सब बताइएगा कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक है, लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। इस साल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। नहीं तो मेरा एक साल दो साल में एक ही बार फीवर होता है, लेकिन इस साल ना 3-4 बार फीवर हो चुकी है। ठंडे भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी तबीयत बिगड़ता है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, जिसको भी पूछो सबका तबीयत खराब रहता है। इसलिए सबको बोल रही हूँ, ध्यान रखिए खुद का एंड अपना परिवार का। ब्लॉगिंग तो शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। आगे जो भी शेयर करूँगी, बस वीडियो भी बने रहे, वीडियो कंटिन्यू रहेगा एंड तक। वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, सुंदर सुंदर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इतनी सी बात है, चलिए आगे क्या करनी है वो भी दिखाती हूँ। शो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रेस डाल के बेडशीट बिछाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब बात कर रही थी, अब दिखा होगा तो मैं खाली बेड पर बैठा था, क्योंकि जो मैट्रेस वगैरह इसको धूप में थोड़ा डाल ली थी, तो इसको अभी बेडशीट बिछानी है मैट्रेस डाल के बेड पर। तो बेडशीट बिछाने का वीडियो करने का मेन रीजन यह है कि ये बहुत ही बेहतरीन एंड हेल्पफुल तरीका है बेडशीट बिछाने का। कभी कभी हम बेडशीट बिछाने के बाद ना हमारा बेडशीट इधर उधर हो जाता है, बार बार हमको बिछाना पड़ता है तो बहुत तंग आता है। बच्चों ने इधर उधर कर ही देते हैं, घर में बच्चे हैं तो ये ट्रिक बिल्कुल आजमाएं। सबको रिक्वेस्ट है ये ट्रिक बिल्कुल अपनाएं, बिल्कुल आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं लिख के देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, बेडशीट को पहले फैला देती हूँ बेड पर, फिर इसको क्या करेंगे ना, इसका जो कोना है, चारों तरफ चार कोना होते हैं, कोने में ऐसे गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद बेडशीट को ऐसे डाल के इसके नीचे खींच लेंगे। तो ऐसे करके चार कोना में हमको गांठ लगाकर खोसना होगा। ऐसे करने में ना हमको ये फील होगा जैसे हमारा बेडशीट आयरन हुआ है एंड यहाँ पर डाला है एंड इसके ऊपर बच्चों ने चाहे डांस करे या फिर जितने कूदे घूमे जो भी करे, ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये मेरा 109,000% गारंटी है। तो ये ट्रिक मैं सीखा कहाँ से, तो ये ट्रिक मैं हॉस्पिटल से सीखा था। जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो वहाँ पर ऐसे एक सिस्टर ने बेड बिछा रहे थे, मैं उनको पूछा कि ये ऐसे क्यों करते हैं आप, गांठ क्यों लगाते हैं, तो वो मुझे बोले कि बार बार बेड इधर उधर हो ही जाता है क्योंकि नीचे जो उनका ये क्लॉथ डालते हैं ना वो रबर का, तो वो क्लॉथ के ऊपर बेडशीट इधर उधर हो जाता है, गांठ लगाने से ऐसे ही रहेगा। तो ये रहा हमारा बेडशीट का ट्रिक, आई होप कि आपको अच्छा लगी है। चलिए दूसरी काम भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेडशीट बिछाने के बाद मैं चली आई सीधे किचन में। देखिए बहुत सारा पालक आया है, पालक का साग, तो इसमें आज एक रेसिपी बनेगी, रोटी के साथ पालक आलू पालक करी बनेगी। तो इसको पहले हम अच्छे से बाँच लेंगे, फिर इसके बाद इसको अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे, क्योंकि कभी कभी पालक में जो बाली वगैरह होता है ना, तो इसीलिए इसको अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार, फिर इसको कट कर लेंगे, फिर सब्जी बनाएंगे। मसाला भी प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए मसाला 2 बड़े साइज़ का प्याज, 2 लहसुन एंड 2 इंच का अदरक लेंगे, इतनी ही है। सो फ्रेंड्स, देखिए पालक को बाँचने के बाद यहाँ किचन में चली आई, थोड़ा सा हस्बैंड से भी हेल्प ले ली। तो कढ़ाई बैठा कर गैस ऑन कर दिए है एंड यहाँ पर डाल दिए है थोड़ा सा जो घी, मतलब कि जो ये होता है डालडा होता है, डालडा डाल दिए है। उसके बाद थोड़ा सा जीरा, फिर उसके बाद प्याज। तो प्याज 2 मीडियम साइज़ का लिया था, मैंने बताया था हस्बैंड से इसलिए हेल्प ली कि मेरा जो सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, खड़े होकर रसोई करने का हिम्मत ही नहीं है एंड घूम रहा है सर, खड़े होती है तो बार बार गिर जाती हूँ, इसलिए उनसे भी थोड़ा हेल्प ले लेती। यहाँ पर प्याज देखे थोड़ा सा दे दिए हैं, जो हमारा नमक देने से प्याज जल्दी हो जाता है। प्याज हमारा जब हल्का ब्राउन कलर की हो जाएगी, उसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चिली पाउडर, मतलब कि मिर्ची पाउडर एंड आप चाहे तो यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करना सही होगा, क्योंकि पालक तो ग्रीन दिखेगा, इसमें कलर देके क्या फ़ायदा है। तो देखिए इसको देने के बाद इसको मिला रहे हैं। तो गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा बात करने से बहुत प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, पता नहीं ये गला कब ठीक होगा। 2-4 कितना
7-8 दिन हो ही गया शायद। तो यहाँ पर देखिए प्याज होने के, प्याज लगभग 10 मिनट तक फ्राई किए हैं। 10 मिनट के बाद तो जो चिली पाउडर डाल दिए हैं, फिर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट बना कर रखे थे। यहाँ पर मैं प्याज कट करके दिया था और अदरक लहसुन को पेस्ट बना दिया था, तो इसको भी हम 7-8 मिनट तक मिला लेंगे। जब हमारा अदरक लहसुन अच्छे से हो जाएगा, फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे। ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करेंगे। देखिए कैसे हो गया। तो ये बिल्कुल नया स्टाइल में बना रहे हैं। जो भी है बना लेते हैं तो अच्छा लगता है। घर में अगर हस्बैंड कभी कभी कुछ बना देते तो हमको खाने के लिए, वो जैसे भी बनाते हैं ना, हमको बहुत खुशी होता है खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर टमाटर डालने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए हैं, फिर इसको अच्छे से मिला रहे हैं। टमाटर में भी थोड़ा सा नमक चाहिए क्योंकि जल्दी हो जाएगी। सच बताना आप सब जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, प्लीज़ सच बताना आपको घर में हस्बैंड हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आप कितने खुश होते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी एक गिलास दे देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ बस। क्योंकि जो लोग कभी नहीं करते हैं, एक बार कर देते तो बहुत खुशी होता है देख के उनको। यहाँ पर थोड़ा सा पानी देने के बाद जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मिला रहे हैं। ये बिल्कुल नया स्टाइल में बन रही है। करी पाउडर भी दे दिए हैं। एक बार ये स्टाइल में बनाकर देखना, ट्राई करना। और यहाँ पर दे दिए हैं गरम मसाला। बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही यम्मी था, डिलीशियस था। न्यू स्टाइल का पालक आलू का करी को बिल्कुल फॉलो करना, एक बार ट्राई करना। देखिए यहाँ पर मसाला हमारा पक चुकी है, सारी की सारी पाउडर मसाला। पाउडर मसाला देने के बाद ना 2-3 मिनट इसको मिला लेंगे, फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे पालक का साग। तो आलू पालक करी में पहले सब लोग आलू डालते हैं, पालक को फ्राई करके डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पालक ऐसे ही डाल दिया गया। जल्दी हो जाएगा। बाकी जो लोग काम नहीं करते हैं उनको काम से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो पालक देने के बाद इसको भी कुछ टाइम मसाले के साथ फ्राई कर लेते हैं। मतलब कि कुछ टाइम, मतलब 7-8 मिनट तक, जब तक पालक हमारा बॉइल्ड ना हो जाए ऐसे करते हैं। यहाँ पर मैं आलू को बॉइल्ड करके रखा हूँ पालक के साथ करने के लिए। तो पालक पहले हमारा हो जाए, फिर हम आलू को ऐड कर देंगे। इसको हम ढक्कन में कवर कर देंगे, लेकिन इससे पहले हम स्वाद के अनुसार नमक दे देंगे। फिर उसके बाद इसको ढक्कन में कवर कर लेंगे कुछ टाइम के लिए। तो नॉर्मली जब लोग आलू पालक की करी बनाते हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल की बनाते हैं। मैं बहुत सारा आलू पालक करी देखा था, लेकिन ये स्टाइल मुझे सबसे अच्छा लगा। ऐसे नहीं है कि मेरे हस्बैंड बनाया इसीलिए नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस था, टेस्टी था, यूनिक था, इसीलिए अच्छा लगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ना तबीयत ख़राब है, गले में दर्द है, बात करने का भी हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं कितने मेहनत करके वीडियो दे रही हूँ। आई होप कि आप सब समझेंगे एंड वीडियो को वॉच करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे एंड सुंदर सुंदर कमेंट्स करेंगे। यहाँ पर देखिए पालक थोड़ा सा होने के बाद ढक्कन में कवर कर दिया। अभी 4-5 मिनट के बाद इसको देख रहे हैं, देखिए कितना सारा पानी निकल चुकी है हमारा पालक से। हम क्या करते हैं ना, मैं बहुत जगह देखी हूँ, जब पालक पनीर लोग बनाते हैं तो पालक से, पालक को बॉइल्ड करके उसका पानी को निकाल लेते हैं, पालक को ग्राइंड कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए पालक में कितना सारा विटामिन से, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत कुछ था होता है। स्पेशली आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उसका पानी निकाल के फेंक देंगे तो हमको विटामिन कहाँ से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आलू भी दे दिए हैं, बॉइल्ड हुआ आलू। इसको भी थोड़ा टाइम के लिए ढक्कन में कवर कर लेते हैं। तो पालक को जो हम बॉइल्ड करके उसका पानी फेंकते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसे बिल्कुल भी ना करें, ये सजेस्ट करूँगी। पालक का पानी, जो बॉइल्ड हुआ पानी, नॉर्मली थोड़ा सा तीखा या फिर कस्सा लगता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो उसको मत फेंकिए, उसको यूज़ ही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बॉइल्ड हुआ पानी ऐड कर दिए है, क्योंकि आलू हमारा हाफ बॉइल हुआ था, तो पानी देने की वजह से आलू हमारा फुल बॉइल हो जाएगा और पालक के साथ मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनाया है हस्बैंड ने, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। एंड आज का वीडियो यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब के साथ साथ वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। मिलते हैं फिर अगला वीडियो पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।